दोस्तों मैं प्रभात टॉकीज गया था, लेकिन वहाँ ना तो टिकट बुक हुई। वहाँ बोले 12 बजे का शो है, 11 बजे आप आ जाइए, टिकट बुक कर लीजिए, टिकट ले लीजिए। तो हम वहाँ से वापस आ गए दोस्तों, और देखे प्रभात टॉकीज का नज़ारा। और आज है रविवार, तो हम कहीं ना कहीं तो जाते रहते हैं दोस्तों। और वह फिल्म काफ़ी अच्छा है, बताया गया है, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो पे, और चलिए। और अब हम जाएंगे 3 बजे वाले शो, तो उसका भी व्यू आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों तो ये जो नज़ारा देख रहा है वो 3 बजे वाले शो का है, और काफ़ी भीड़ है दोस्तों। और हम आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। ये देखिए, फिल्म काफ़ी हाउसफुल चल रही है और पब्लिक काफ़ी पसंद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी मूवी को। आप देखिए नज़ारा और वीडियो का एंजॉय कीजिए दोस्तों। दोस्तों टिकट काउंटर में देखे काफ़ी भीड़ है, और दर्शकों का काफ़ी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ी मूवी देखने के लिए। और 11-12 बजे वाला शो भी काफ़ी हाउसफुल रहा है। और ये देखिए, हम तो 3 बजे वाले शो आए हैं। दोस्तों तो ये जो भीड़ है वो है गोल्ड का, और हमने जो टिकट कटाया था वो डायमंड का था। तो ये दिखे गोल्ड का नज़ारा, डायमंड में भी काफ़ी भीड़ है दोस्तों, लेकिन हमने टिकट ले लिया तो वहाँ सीट जो है श्योर हो गया। ऐसा है दोस्तों, पार्किंग काफ़ी भीड़ है, ये देखिए आप लोग। दोस्तों तो हम जा रहे हैं थिएटर के अंदर, और शो का टाइम हो गया है, 3 बजने वाला है। दोस्तों मूवी जो है 2.5 घंटे की फिल्म है, और 12 से 3 बताया गया है, लेकिन फिल्म जो है 2.5 बजे छूट गई थी। तो फिल्म की स्टोरी ठीक है दोस्तों, एक बार देखने लायक है, परवाजी है, हास्य है। और आप भी आइए, इन्जॉय कीजिए, तो ये तो आप देखते हैं है। दोस्तों मूवी हमारे रायपुर शहर से लिया गया है, कलिंगा कॉलेज, खड़ी चौक, और सभी एक्टरों ने अपना किरदार बखूबी निभाया, जो काफ़ी अच्छा लगा। और ख़ासकर अमलेश नागेश जी, जो काफ़ी मूवी पे कॉमेडी हास्य कलाकार के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा लगा।